हरे कृष्णा राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी इस साल आ रही है 11 जून को 2022 में शनिवार के दिन। तो जैसे कि आप जानते हो, निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। तो नाम से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि ये निर्जला एकादशी, मतलब इस दिन, एकादशी वाले दिन हमें जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो जैसे हम उपवास करते हैं, जैसे हम फास्टिंग करते हैं, तो इस एकादशी में हमें जल इतना ही लेना है, जैसे हम एक आचमन करते हैं ना, थोड़ा सा एक बूंद जितना, उतना हमें आचमन करके जल लेना है। तो आज हम उस एकादशी के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञ दान और तप कभी भी हमें नहीं त्यागना चाहिए। कभी भी जब मौका मिले, जब भी मौका मिले, ये हमें अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप करने से मनुष्य के अंदर एक पवित्रता उत्पन्न होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, जो भी हम व्रत करते हैं, वो हम अपने बॉडी को तपस्या करके हम व्रत करते हैं। तो तपस्या का अर्थ एग्जैक्टली है क्या? तपस्या ये है, जो भी साधक अपनी इच्छा से आध्यात्मिक उन्नति को, शरीर को कष्ट देके तप करता है, उसे तपस्या कहते हैं। तो जो तपस्या का जो मेन चीज है, वो सबसे पहले है, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, अपने शरीर को कष्ट देके कर रहा है, और तीसरा है आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहा है। तो वो जो इस प्रकार करता है, तो वह उसका जो ये तपस्या जो उसकी पूरी होती है, उसे कहते हैं उपवास। और उपवास का सही अर्थ है प्रभु के करीब रहना। उपवास मतलब प्रभु के पास रहना। तो जो ये हम तपस्या, जो हम ये उपवास, जो हम ये व्रत कर रहे हैं, ये हम प्रभु के करीब जाने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो इस कलयुग में हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम प्रभु के करीब पहुंच सके। यही एक चीज है, हम तपस्या, उपवास, भक्ति, सेवा, ये सब चीज करके हम प्रभु के करीब पहुंच सकते हैं। तो जो ये निर्जला एकादशी आ रही है, तो इस एकादशी में हमें व्रत करना है। अगर आपसे हो सके तो आप निर्जल व्रत कीजिए। निर्जल व्रत, जैसे मैंने आपको कहा ना, एक बूंद पानी लेके आचमन करके वो आप पानी पी सकते हो, उसमें आपका व्रत नहीं टूटता है। अगर आपसे वो नहीं होता है, तो आप दूध, फ्रूट जूस, फल लेके भी कर सकते हो, जिसे फलाहार कहते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं होता है, तो आप एक टाइम उपवास का प्रसादम लेके भी आप यह व्रत कर सकते हो। लेकिन जो ये एकादशी आ रही है, इस व्रत को, इस निर्जला एकादशी का लाभ जितना हो सकता है, मैं अपनी कृष्ण फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर जो भी साधक, आपने जो भी व्रत नहीं किए होगे, साल के कोई भी व्रत नहीं किए होगे, लेकिन सिर्फ ये एक एकादशी के व्रत करने से आपके पूरे साल का एकादशी के व्रत का कवर अप हो जाता है। और ये एकादशी का जो एक व्रत है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब आपको प्रगति के मार्ग पे लाता है, आपके घर में सुख शांति, और बोलते ना, श्री विष्णु और महालक्ष्मी की सदा आपके घर पे कृपा रहेगी, आपके अंदर एक आध्यात्मिक उन्नति अपने आप जागृत होती है। तो जो ये एकादशी का व्रत है, निर्जला एकादशी, बहुत बड़ी एकादशी है। तो एकादशमी तिथि से शुरू हो जाएगी हमारी तप करना। हमें संध्या के समय सात्विक भोजन करना है, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आप अगले दिन, एकादशी वाले दिन, सवेरे जल्दी उठिए, गंगा जल से आप थोड़ा सा अपने स्नान में थोड़ा सा गंगा जल का पानी छिड़काव कीजिए और स्नान कीजिए, पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कीजिए, और अपने प्रभु की, ठाकुर जी की सेवा में लग जाइए। उनका बढ़िया से श्रृंगार कीजिए, फूल, प्रसाद, नैवेद्य और धूप दीप इत्यादि करके आप उन्हें आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप एकादशी का जो व्रत है,
एकादशी के व्रत के दिन ऐसा नहीं कि हमने निर्जल व्रत किया है तो बस अभी हमने ये सेवा कर ली अब हम आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको आज के दिन जितना हो सके भक्ति में जाना है, भक्ति की सेवा करनी है, भागवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, प्रभु की माला कीजिए, हरे कृष्ण नाम का जाप माला कीजिए, आप जितना हो सके आप भगवान में ही लीन रहिए। और संध्या के समय भी आपको आरती करनी है, कीर्तन कीजिए, आज के दिन आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, जागरण कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जागरण भी कीजिए, तुलसी मैया की भी आरती कीजिए। अगले दिन जिस तरह से आपका व्रत कंप्लीट होता है, अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप सबसे पहले जिस तरह से आपने सवेरे अपनी मंदिर की सेवा पूजा करते हो आप उसी तरह से अपने मंदिर की सेवा पूजा कीजिए, और फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्राह्मण को जल दान करें, जल दान कीजिए, और जिसने निर्जल व्रत नहीं किया है वो भी ब्राह्मण को जल दान कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट का दान कर सकते हैं, जैसे इस गर्मी में हम तरबूजा है, खरबूजा है, आम है, इसका आप ब्राह्मण को दान कीजिए, गरीबों को दान कीजिए, और फिर बाद में घर आके आप प्रभु को भोग लगाइए और वो प्रसादम आप खुद ग्रहण कीजिए। तो ये निर्जला एकादशी के दिन आप प्रभु को फल फ्रूट का भोग लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला सीजन फल फ्रूट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस एकादशी वाले दिन जब आपका व्रत पूरा हो जाएगा द्वादशी के दिन ज़रूर से आप दान कीजिए। ज़रूरतमंद को आप अगर पानी पिला सकते हो या अन्न अन्न बोलते हैं ना अन्न दान किया है, ज़रूरतमंद को दीजिए। ऐसे नहीं कि हमने वो कोई ऐसे भिखारी को दे दिया और वो कहीं गलत चीज़ों में उस चीज़ का प्रयोग कर रहा है तो वो आपका दान काउंटिंग में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आपने दे दिया है बट वो गलत हो जाएगा, इसीलिए ज़रूरतमंदों को दीजिए। और ज़रूर से आप ये एकादशी का व्रत कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस कृष्ण फैमिली से वह ज़रूर से यह निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करेगी और प्रभु की भक्ति करेगी और हरे कृष्णा की चैंटिंग करोगे। आप एक करते हो, एक की दो कीजिए, दो की जितनी हो सके आप ज़्यादा कीजिए, किसी की निंदी चुगला मतलब किसी के बारे में बुरा बोलो मत, किसी की निंदा चुगली करो मत, सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगे रहिए। भागवत गीता अगर आपके पास, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जिस किस के पास भी भागवत गीता हो आप भागवत गीता का कोई भी एक अध्याय ले लीजिए, कहाँ से भी आप भागवत गीता खोलिए, श्री कृष्ण की भागवत गीता आपको समझ आ ही जाएगी। वो इतनी सरल भगवान ने बनाई है कि आप कहीं से भी कोई भी अध्याय पढ़े आपको समझ आ ही जाएगा। तो आपसे सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कुछ नहीं तो थोड़ा समय निकाल के एक पेज तो ज़रूर पढ़ लेना आज के दिन। तो इसी तरह से यह निर्जला एकादशी आप सभी लोग कीजिए। आप सभी को मैं सबसे पहले कह देती हूँ आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को भगवान शक्ति दे कि आप निर्जला एकादशी करें और प्रभु की भक्ति करें और प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, और इसी तरह मेरे फैमिली से जुड़े रहिए। राधे राधे।